Hey everyone, so in this video we will be doing A Midsummer Night's Dream. किसी ने मैसेज किया था इसके लिए स्पेसिफिक कि पहले इसको कर लो. तो ठीक है, हमें करना तो वैसे भी एम ई जी टू का सारा ही सिलेबस है क्योंकि हमने ऑलरेडी फोर वीडियोस कर ली हैं. आई मीन फोर हमने ड्रामा कंप्लीट कर ली हैं जहाँ पे हम कुछ जनरल पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं. जनरल पॉइंट्स इन द सेंस कि आप मेन मेन चीज़ें क्या हैं आपको पढ़ने के लिए, फिर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है पेपर में तब आप वहाँ पे क्या लिखोगे. तो उस तरीके से एक तरीके से रिवीजन भी हो जा रही है आपकी, प्लस आपको कुछ पता भी है, कुछ आपके पास पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं जो आप अपने पेपर में यूज़ कर सकते हो इफ़ यू डोंट नो द आंसर. ठीक है, और अगर पता है तभी भी आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो. मे बी आप उन चीज़ों को अपने रिवीजन में, अपने प्रिपरेशन में स्किप कर रहे होगे. तो आज हम करें मिडसमर नाइट्स ड्रीम. ऑलराइट, तो हम बात करें सबसे पहले प्लॉट की, कि प्लॉट आपको पता होना चाहिए, सेटिंग आपको बतानी है, क्योंकि कोई भी आंसर होता है जब आप स्टार्टिंग कर रहे होते हो तो वहाँ पे आप कुछ चीज़ें बताते हो. कि फर्स्ट चीज़ तो ये होती है कि आप कि लिखा किसने है आप ये बताओगे, उसका एरा कौन सा था, किस जॉनरा में लिखी गई है, मेन आइडिया क्या है, और सेटिंग क्या है. तो आप एथेंस की यहाँ पे सेटिंग बताओगे कि एथेंस में उसकी सेटिंग रखी गई है. मेन प्लॉट क्या है, प्रिपरेशन हो रही है किसके लिए, मैरिज के लिए, और किसकी जो ड्यूक थीसियस है और जो उनकी जो क्वीन है हिपोलिटा की शादी होने वाली है और उसके लिए प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रखी है. मेन प्लॉट ये रहेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट भी हैं तो आपको वो ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही प्लॉट नहीं है. अब नेक्स्ट प्लॉट क्या है कि इसमें बहुत सारे चार अलग अलग जो हैं इंटरवोवन, मतलब कि आपस में मिक्स होकर कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं, प्लॉट लाइन हैं. जैसे कि फर्स्ट का एक तो एथेनियन लवर्स हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, जहाँ पे आपने स्टोरी अगर कहीं पे आपने सुनी है, समरी सुनी होगी, तो आपने देखा होगा कि मेन फोकस किस पे कर रखा है कि हर्मिया लाइसेंड्रो से प्यार करती है, कोई हेलेना जो है वो डिमेट्रिस से कर रही है बाद में. तो मेन फोकस यहाँ पे लव ट्राइंगल जो बन रहा है या फिर जो लवर्स उनके ऊपर कर रखा है, लेकिन ये एक दूसरा प्लॉट लाइन है. मेन प्लॉट लाइन आपकी ये वाली है. ठीक है, तो ये मेंशन करना कि इसमें अलग अलग प्लॉट लाइन चलती है. एक ये चलेगी, प्लस इसमें फेरीज जो है वो भी हैं. फेरी का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से जिस जॉनरा में ये लिखी गई है तो वहाँ पे आपको फेरीज को लिखना ही लिखना है. ऊपर से शेक्सपियर का वर्क है और उन्होंने सारे वर्क्स में फेरीज यूज़ नहीं करी हैं, कुछ ही हैं, जैसे कि द टेम्पेस्ट है, ये है. तो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि फेरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. तो ओबेरॉन आप दिखा दीजिए, एंड टाइटेनिया का दिखा रखा है आपने कि वो यहाँ पे आए हैं, कुछ करेंगे या फिर जो भी करने वाले हैं. हाँ, इसको ध्यान रखना, ये वाला जो है ना कि जो बॉटम है, एक पर्सन बॉटम है, उसका जो हेड है वो डंकी के हेड में कन्वर्ट हो जाता है. ये इसलिए आपको पेपर में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि इसके ऊपर नेट में या फिर जो आपका टीचिंग का एग्ज़ाम होता है, मैंने उसका पेपर देखा था, उसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि किसका जो हेड है वो कन्वर्ट हो जाता है डंकी में. तो अगर ध्यान रहेगा तो आपको आगे के लिए प्रिपरेशन के लिए ईजी रहेगा. मैकेनिकल्स इंपॉर्टेंट है. देखो मैकेनिकल्स के ऊपर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, मैकेनिकल्स कौन थे. कुछ ग्रुप आया था क्राफ्ट्समैन का जो कि क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जो थीसियस की वेडिंग होने वाली है उसमें बोला गया था कि कुछ लोग आके परफॉर्म करेंगे शादी के आगे, कुछ शादी में कुछ करेंगे, मतलब एक तरीके से थिएटर की तरह परफॉर्म करेंगे. और वहाँ पे कुछ मैकेनिकल्स, कुछ क्राफ्टमैन का ग्रुप आता है और उनको मैकेनिकल्स बोला गया है. इसके ऊपर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्ले विद इन द प्ले की जो टेक्निक है उसे भी फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. और मैजिक एंड मिस्चीफ, तो आपको पता है कि पक्का कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है. पक्की ही वजह से वो जो वो जूस डालता है, फ्लावर का जो जूस डाल रहा होता है आंखों में दूसरों के, तो उसकी वजह से लवर्स एक दूसरे के प्यार में पड़ रहे हैं, कोई किसी और के प्यार में पड़ रहा है, तो इसलिए पक्का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है. थीम्स में, थीम्स ऐसी चीज़ है कि कोई भी आंसर है आप थीम्स लिख दोगे तो कोई काटेगा नहीं आपके आंसर, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं थीम्स के ऊपर ही होगा. मैकेनिकल्स आएगा तब तो बात दूसरी हो गई, नहीं तो थीम वीम आप उसमें लिख सकते हो आराम से, कोई नहीं काटेगा. जैसे कि लव का थीम है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई रखा, आपने देखा ही हुआ है इसमें जो रिलेशंस दिखा रखे हैं या फिर जो लवर्स दिखा रखे हैं, तो वो ऑब्वियसली आपका लव का थीम यहाँ पे दिखाएंगे. रियलिटी को दिखा रखा है, इल्यूजन को दिखा रखा है, क्योंकि एन्चांटेड फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में किसी को पता नहीं चल रहा है कि रियलिटी क्या है, चीज़ें ब्लर हो रही हैं. वो जब आपने समरी पढ़ी आपने देखा होगा कि कंफर्म नहीं कर पा रहा है, किसी को किसी से प्यार हो जा रहा है, किसी का जो हेड है वो चेंज हो रहा है किसी और में, तो वो इल्यूजन्स हो रहे हैं. ऑर्डर एंड डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो एथेंस की बात करें, क्योटिक है, मैजिकल वर्ल्ड दिखा रखा है फॉरेस्ट में, तो वो सब क्योटिक है. क्योटिक का मतलब होता है उथल पुथल सी हो जाना, जहाँ पे कुछ भी बैलेंस में नहीं है. एंड देन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ है, जैसे कि कैरेक्टर्स का जो फिजिकल है वो चेंज हो रहा है, किसी का हेड चेंज हो रहा है, उनके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, किसी की आइडेंटिटी दिखा रखी है, परसेप्शन दिखा रखा है, तो हर एक चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है. और ड्रीम्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टाइटल में लिया गया है.
ठीक है, आपका टाइटल ही यही है, अमिडसमर नाइट्स ड्रीम, तो वहाँ पे आपका टाइटल है, तो यहाँ पे इसीलिए आपका ड्रीम का जो थीम है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैरेक्टर्स हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैरेक्टर्स एक छोटी सी समरी में आपने सुना ही होगा सारे कैरेक्टर, तो वो आप यहाँ पे देख लेना, मैंने फिर भी लिख दिया है जिससे कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए, कि अगर वो यहीं पे आके पढ़ रहे हैं तो। हाँ, अगर आपको इनके कैरेक्टर में, अगर लवर्स में कन्फ्यूजन हो रही है, कपल्स में, तो हाँ एक चीज़ है जो आप याद कर सकते हो, जैसे कि जो हर्मिया है, और हर्मिया जो है वो पसंद करती है लाइसेंडर को, तो हर्मिया में HER है और लाइसेंडर में भी DER है, तो लास्ट का और उसका फर्स्ट का कहीं ना कहीं सेम है, तो आप ध्यान रखना कि ये दोनों एक कपल बनाएंगे, और डिमेट्रियस एंड हेलेना अलग हो जाएंगे, तो मतलब वो बाद में एक कपल बनाएंगे। सिंबल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा ही जो प्ले है, आपका पूरा जो ड्रामा है, वो कहीं ना कहीं आपका मैजिक पे आपका टिका हुआ है, मैजिक पे डील कर रहा है उससे, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए फॉरेस्ट का भी सिंबल एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट का सिंबल है आपका लव पोशन जो है, वो जो डाला जा रहा है उनकी आंखों में, जो जूस है, जो पग डाल रहा है, वो भी यहाँ पे एक सिंबल का काम कर रहा है, कि कोई भी चीज़ है जो प्रिडिक्ट नहीं करी जा सकती है, या फिर जो प्यार होता है वो इरेशनल होता है, वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता है, जब आप प्यार की बात करते हो तो आपको दिल से सोचना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हाँ, प्ले विद इन द प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बोला है कि जब भी शेक्सपियर के वर्क की अगर आप बात करते हो तो जो भी इंपॉर्टेंट है आपको वो मेंशन करना होता है, तो इसमें भी प्ले विद इन द प्ले इंपॉर्टेंट है। हमने हैमलेट करी थी, वहाँ पर भी मैंने बोला था कि प्ले विद इन द प्ले आपको मेंशन करना ही करना है। इसमें स्पेसिफिक आपको मेंशन करना है कि आपका जो फेरीज का है, ठीक है, जो फॉरेस्ट है, जो फेरीज हैं, इनको आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, जनरल जब आप लिख रहे हो तो एक बच्चा है जो सिर्फ समरी लिख के आ रहा है, और एक बच्चा है वो जो कि उस जनरल क्वेश्चन में, ठीक है, कि नहीं आ रहा है उसमें, किसी ने सिर्फ समरी लिख दिया, उसी में आप लिख रहे हो, समरी के साथ साथ में आप स्ट्रक्चर लिख रहे हो, थीम लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली है कि आपको उससे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ समरी नहीं लिखी है, अपने बाकी की चीज़ों को, बाकी के एस्पेक्ट को भी कवर कर लिया है, तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो एस्पेक्ट भी आपके आंसर में, चाहे छोटे से एरिया में कवर हो, पर कवर हो जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कॉमेडी है, और रोमांटिक कॉमेडी है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है, रोमांटिक कॉमेडी है, ये शेक्सपियर ने अपने फर्स्ट फेज में लिखी थी। शेक्सपियर के टोटल 4 फेजेस में उन्होंने वर्क लिखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप नेट के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, कुछ चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, अभी से ध्यान रखोगे तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। 4 फेजेस में उन्होंने वर्क लिख के हैं, मिडसमर नाइट्स ड्रीम उनका फर्स्ट फेज में आता है। ओके, ये उनकी कॉमेडी है, कॉमेडी में आप देख लीजिए, एक चीज़ होती है कॉमेडी जब भी एंड होती है, जो रोमांटिक कॉमेडी होती है हमेशा ही वो लास्ट में मैरी मेकिंग से या फिर वेडिंग से ख़त्म होती है, आप कोई भी देख लोगे ये एक पैटर्न है, तो इसमें भी लास्ट में वेडिंग होगी, आप देखोगे मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ क्रिएट्स होंगे बाद में, एक हैप्पी रिजोल्यूशन हो जाएगा बाद में, ह्यूमरस सिचुएशन है क्योंकि कॉमेडी है तो ऑब्वियसली ह्यूमरस सिचुएशन होनी ही होनी है। यहाँ पे प्लॉट लाइन बहुत ज़्यादा है, ये भी इसका एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेन प्लॉट लाइन के फाफत बहुत फरी बैकग्राउंड में भी प्लॉट चल रहे हैं। लैंग्वेज कैसी है, पोएटिक लैंग्वेज है, वर्ड प्ले है, इमेजरी है, इन्हेंसिंग जो फंटेस्टिकल एलिमेंट्स है स्टोरी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख सकते हो। देखो, शेक्सपियर ने ना कभी भी ऐसा बोलते हैं कि शेक्सपियर ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं ली थी, इवन दोनों ने इतने वर्क्स लिखे हैं लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं ली थी, वो ग्रामर स्कूल में गए थे लेकिन किसी भी चीज़ के प्रूफ नहीं मिले हैं कि उन्होंने कभी भी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ली थी, और उन्होंने इतना रिफाइन तरीके से लिखा है, वो एक काबिले तारीफ चीज़ हो जाती है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं ली है, तो वो चीज़ एक जस्ट आउटसाइड द टेक्स्ट था वो जो मैंने बोला। नेक्स्ट हम कल्चर की बात करें, कल्चर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एलिजाबेथन एरा को आप मेंशन करोगे, एलिजाबेथन टाइम पे शेक्सपियर उसी टाइम पे लिख रहे थे, वो जिंदा ही उसी टाइम पीरियड पे थे, तो आपको इतना पता होना चाहिए, जेकोबिन में भी थोड़े टाइम पीरियड पे वो थे, उसको सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रखा है, कल्चर नॉर्म्स को कर रखा है, जैसे कि हायरार्कल स्ट्रक्चर कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, एक वो और जेंडर रोल्स की किस तरीके से जो वेडिंग है वो उसके फादर तय कर रहे थे, फिक्स कर रहे थे ये चीज़ें, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आप जेंडर रोल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। माइथोलॉजी एंड फोकलोर जो होते हैं उसके बारे में बता रखा है, माइथोलॉजीज जो कि पुरानी स्टोरीज चली आ रही होती हैं, मिथ्स में जो होती है आप कंफर्म नहीं कर सकते कि ये 100% है या नहीं है, फैक्ट है या नहीं है। फोकलोर जैसे कि हमारी कोई भी जो लोक कथाएं जैसे हम हिंदी में बोलते हैं फोकलोर उसे हम बोलते हैं, तो इंग्लिश फोकलोर फेरीज के बारे में, पक के बारे में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। थीसियस एंड हिपोलिटा के बारे में आपको चौसर में भी देखने को मिल जाएगा, चौसर ने भी एक स्टोरी लिखी है उसमें इसका मेंशन कर रखा उन्होंने,
और चौसर इनसे पहले आए थे, शेक्सपियर से पहले आए थे, तो इसीलिए माइथोलॉजी यूज़ यहाँ पे हो रहा है। कि कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि ट्रेप्रेसी है, लव है, मैजिक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बफर यहाँ पे आपस में चीज़ें मिक्स हो रखी हैं। लैंग्वेज की जब बात करोगे तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देना, बस बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत लिखना, बस अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देना कि ह्यूमर है, लैंग्वेज ऐसी यूज़ कर रखी है, वैसी यूज़ करके, मास्टरफुल है, जितनी भी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लव है, रियलिटी एंड इल्यूजन के बीच में ब्लर हो रही हैं चीज़ें, बाउंड्री ख़त्म हो रही है। तो वो था मेन मेन चीज़ें जो कि आप मिडसमर नाइट्स ड्रीम में लिख सकते हैं। वह फटाफट से देख लेते हैं दोबारा, ठीक है। प्लॉट समरी में आपको पता ही है, प्लॉट समरी में जो भी चीज़ें हैं आपको मेंशन करना है, प्लॉट, मेन प्लॉट और बाकी के जो सब प्लॉट्स हैं उनको, मैकेनिकल्स को अच्छे से ध्यान से याद से मेंशन कर देना है आपको, थीम्स आपको मेंशन करनी है, कोई भी चीज़ आ जाए, दो तीन चीज़ें तो आपको ध्यान रहेंगी, जैसे कि ड्रीम आपके टाइटल में ही आता है, लव आपके टाइटल में ही आ रहा है, रियलिटी एंड इल्यूजन इसलिए क्योंकि फेरीज हैं, तो ये भी आपको याद रहेगा, बाकी के छोड़ दो तभी भी चलेगा, क्योंकि तीन आप एक्सप्लेन कर रहे हो उतना भी हो जाएगा, कैरेक्टर को हम कर नहीं रहे हैं। सिंबल्स में आपको ध्यान रखना है, फॉरेस्ट का सिंबल है, प्ले विद इन द प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसको, फॉरेस्ट को भी याद रखना है, लव पोशन को भी याद रखना है, स्ट्रक्चर और स्टाइल भी आपको ध्यान रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना उस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, आप अपनी मर्जी से कितना लिख रहे हो, उसको छोड़ के आप जनरल चीज़ें क्या क्या लिख रहे हो, लैंग्वेज कैसी है, या फिर कॉमेडी है, या फिर इंटरवोवन आपकी प्लॉट लाइन है, बहुत सारी प्लॉट लाइन है, सब प्लॉट लाइन चल रही है। एलिजाबेथन एरा को मेंशन कर देना कहीं पे स्टार्टिंग में ही कि एलिजाबेथन टाइम पीरियड पे लिखी गई थी, तो उसी टाइम पीरियड के जो कल्चर नॉर्म्स को है उनको रिफ्लेक्ट कर रही है, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रही है, और इंक्लूड कर देना आपकी यहाँ पे हायरार्की की बात कर रखी है या फिर जेंडर रोल्स की बात कर रखी है, तो वो आपका हो जाएगा एक नॉर्मल सा आंसर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पैगमेलियन। और हाँ, स्क्रीनशॉट की टेंशन फिर से नहीं लेना, मैं बता रही हूँ आपको मिल जाएगा, मैं व्हाट्सएप पर शेयर कर दूँगी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। तो अगर आपको लगता है काम का, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। एंड या पैगमेलियन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पैगमेलियन के ऊपर एलिजा डूलिटल का कैरेक्टर आता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो या आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।